ब्रह्मोस एरोस्पेस को इंडियन नेवी से 2.5 बिलियन यूएस डॉलर्स का एक ऑर्डर मिलने वाला है और ये ऑर्डर होगा ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल्स का। ब्रह्मोस एरोस्पेस एक जॉइंट वेंचर है रशिया और इंडिया का। इस कंपनी ने रिसेंटली टेस्ट कंडक्ट किए एक बहुत ही ज़्यादा इंडिजीनियसली डेवलप्ड मिसाइल के, और इस मिसाइल में एक इंडिजीनियस सीकर भी लगाया गया है। इंडिजीनियस इंडस्ट्री की एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है और इसी वजह से इंडियन नेवी एक ऑर्डर प्लेस करने वाली है 200 ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल्स का, और इन मिसाइल्स को नेवी अपने फ्रंटलाइन शिप्स में डिप्लॉय करेगी। यहाँ पर हमने दो वर्ड्स यूज किए हैं, जॉइंट वेंचर और इंडिजीनियस। इनका एग्जैक्ट डिक्शनरी मीनिंग आपकी स्क्रीन पर भी है आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। इस ऑर्डर के बाद इंडियन नेवी अपने मिसाइल स्टॉक को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करेगी और इन मिसाइल्स को वॉरशिप्स और मोबाइल कोस्टल मिसाइल बैटरीज पर डिप्लॉय करेगी। इस मिसाइल की इनिशियल रेंज जो थी जब ये मिसाइल सबसे पहले इस जॉइंट वेंचर के बाद बनी थी, उसकी रेंज थी 290 किलोमीटर्स। लेकिन पिछले कुछ सालों में काफ़ी ज़्यादा एडवांसमेंट्स हुए हैं और उन एडवांसमेंट्स के बाद इस मिसाइल की जो रेंज है वो 400 किलोमीटर्स तक हो गई है। अब इस रेंज को स्पेसिफिकली स्ट्राइक रेंज कहा जाता है। स्ट्राइक रेंज मतलब ये कि कितने किलोमीटर के दायरे में सक्सेसफुली ये मिसाइल किसी टारगेट को स्ट्राइक कर सकती है या किसी टारगेट को उड़ा सकती है। जब ये मिसाइल सबसे पहली बार मैन्युफैक्चर की गई थी तो मेजॉरिटी पार्ट्स रशिया में मैन्युफैक्चर होते थे और इंडिया में इंपोर्ट किए जाते थे और यहाँ पर इसको असेंबल किया जाता था, क्योंकि दोनों का एक जॉइंट वेंचर है और एक ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी एक्ट भी था। लेकिन मेक इन इंडिया के विजन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए इस मिसाइल के मेजॉरिटी पार्ट्स और जो सबसे इंपॉर्टेंट और की पार्ट्स हैं उन्हें इंडिजीनियस बनाया गया है। इंडिजीनियस मतलब यही कि इंडिया में खुद मैन्युफैक्चर किया जा रहा है। इस सेम मिसाइल को जो इंडियन नेवी ने ऑर्डर प्लेस करा है, इसको ब्रह्मोस एरोस्पेस फिलीपींस को भी एक्सपोर्ट कर रहा है और फिलीपींस मरीन कॉर्प्स का जो स्टाफ है, ऑफिसर्स और सोल्जर्स, उनकी ट्रेनिंग भी इंडिया में ही ब्रह्मोस के ऑफिसेज में चल रही है और आने वाले कुछ समय भी वो कंटिन्यू होगी। ब्रह्मोस एरोस्पेस के करंट हेड या चेयरमैन जो है वो अतुल राणे हैं और वो काम कर रहे हैं पीएम मोदी के 5 बिलियन यूएस डॉलर्स एक्सपोर्ट टारगेट के ऊपर। अतुल राणे बताते हैं कि फिलीपींस की जो डील थी वो 375 मिलियन यूएस डॉलर्स की थी और उसके बाद उनकी पूरी टीम, ब्रह्मोस एरोस्पेस की जो पूरी टीम है, वो टारगेट कर रही है कि साल 2025 तक वो 5 बिलियन यूएस डॉलर्स तक की मिसाइल्स एक्सपोर्ट करेंगे और ये सारी मेड इन इंडिया होंगी। रिसेंटली इंडियन गवर्नमेंट ने, रिसेंटली नहीं कुछ समय हो गया इस बात को, इंडियन गवर्नमेंट ने ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज को 6 प्राइवेट एंटिटीज़ में डिवाइड किया था और उन्हें सेल्फ सस्टेनेबल बनाने का टारगेट दिया था। इसका भी ओवरऑल पर्पज़ यही था कि इंडिया से डिफेंस एक्सपोर्ट्स इंक्रीज हो। करंटली इंडिया जो है वो डिफेंस गुड्स का बहुत बड़ा इम्पोर्टर है। साल 2022 में इंडिया ने कितने मिलियन या कितने बिलियन यूएस डॉलर्स के डिफेंस इम्पोर्ट्स किए हैं ये आप कमेंट्स में बताओ। इसके ऊपर अभी एक दो दिन पहले एक रिपोर्ट भी आई थी, कमेंट्स में आंसर ज़रूर बताओ। जो भी सही आंसर होगा वहाँ पर मैं हार्ट से रिएक्ट कर दूंगा, और अगर किसी को भी सही आंसर नहीं पता होगा तो सही आंसर दो दिन बाद आपको इसी वीडियो के नीचे मिल जाएगा। चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। यहाँ पर हम CDS, FCAT और बाकी सारे डिफेंस एग्जाम्स की फ्री में तैयारी करवाते हैं और आपको बहुत अच्छा क्वालिटी कंटेंट देते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो सारी वीडियोज़ को सबसे पहले देखने के लिए, करंट अफेयर्स को सबसे पहले जानने के लिए। इंडिया और यूएसए की जेट इंजन ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी डील क्या है, इसका इंडिया को क्या फायदा मिलेगा और ये जेट इंजन आखिर यूज कहां होंगे? चाइना के स्पाई बैलून्स एग्जैक्टली स्पाई करते कैसे हैं और क्या ये इंडिया के अगेंस्ट भी कभी यूज हुए हैं? इंडियन डिफेंस फोर्सेस कैसे हो रही हैं डे बाय डे मॉडर्नाइज? क्या है इंडिया की नेकलेस ऑफ डायमंड स्ट्रैटेजी? Join Defense Affairs on Unacademy Defense Mentors. Indian Defense से जुड़ी इंटरेस्टिंग बातें, एनालिसिस और जियोपॉलिटिक्स।